आप स्टार्ट करते हैं रीडिंग तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ने 7 क्वेश्चन ने साडे कोल। सो सब तो पहला की आ सानू ये चीज़ पता होनी चाहिए भी ट्रू किस टाइम लाना है फॉल्स कदों लाना है तो नॉट गिवन किस टाइम आप लगाना होता है। ट्रू कदों लाना जिदा ये क्वेश्चन हैगा आ इहदा मीनिंग ते लोकेशन दा मीनिंग 100% सेम होना चाहिए आ फिर साडा आंसर ट्रू आऊगा। फॉल्स किदा आना आ जिदा सपोज करो कि क्वेश्चन चा भी ए बी सी नू जिहड़ा आ ओह मैंगो पसंद आ ये सानू क्वेश्चन आ ते लोकेशन कहिंदी पई आ भी नहीं उहनू ऑरेंज पसंद हैगा आ फिर साडा आंसर आ जाऊगा फॉल्स ओपोजिट गल होगी ओह मैंगो कहिंदे सी ये ऑरेंज कहिंदे आ। नॉट गिवन किदा होगा जां तां सानू क्वेश्चन च कुछ भी नहीं मिलिया लोकेशन कोई नहीं मिली उहदी उदों साडा नॉट गिवन आउंदा आ जां फिर जदों सानू हाफ इनफॉर्मेशन मिलदी आ हाफ नहीं मिलदी उदों साडा की आ नॉट गिवन आऊगा। हुण जिद्दां इही क्वेश्चन आ भी ए बी सी नूं की आ मैंगो पसंद आ आपां लोकेशन च चल गए सानू उत्थे फ्रूट्स दे नेम मैनशन किते होए सी बहुत सारे फ्रूट सी ते उहदे विच मैंगो भी सी बट उहनां ने इह नहीं दस्सिया भी इह उहदा फेवरेट है जां नहीं आ क्योंकि क्वेश्चन च सी उहनूं पसंद हैगी आ ए बी सी नूं पसंद हैगी आ ते लोकेशन दे विच की किया जस्ट फ्रूट्स दे नेम मैनशन सी उहनूं पसंद हैगी आ नहीं हैगे इहदी कोई गल नहीं हुई तां करके आंसर साडा की आ गया नॉट गिवन आ गया। हुण पहला क्वेश्चन की आ पोलर बीयर सफर फ्रॉम वेरियस हैल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कहिंदे कि जिहड़े पोलर बीयर हैगे आ उहनां नूं प्रॉब्लम फेस करनी पैंदी आ स्किन करके जे तां सानूं उत्थे मिल गया भी स्किन करके प्रॉब्लम हुंदी आ आंसर साडा ट्रू आऊगा। जे कहिंदे नहीं स्किन तां उहनां लई हैल्पफुल हुंदी आ आंसर फॉल्स आ जाऊगा। जे कोई गल ही नहीं की हुई भी उन्होंने फायदेमंद होंगी आ जो नुकसान होंगे आ फिर साडा आंसर नॉट गिवन आ जाऊगा। हुण इहदे विच की हैगा आपां कीवर्ड्स देखते हाँ पोलर बीयर स्किन फैट ए मिल गया स्किन ए मिल गया पोलर बीयर ए मिल गया। क्वेश्चन की कहिंदा सी भी स्किन का नुकसान आ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हुण देखते सेम गल मिलती आ ओपोजिट गल मिलती आ जां फिर उन्होंने कुछ मैनशन ही नहीं किया हो इसके रिगार्डिंग। पोलर बीयर आर बीइंग इनक्रीजिंगली थ्रेटन बाय द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कहिंदे कि जिहड़े पोलर बीयर हैगे आ उहनां नूं क्लाइमेट चेंज तो खतरा आ बट देयर डिसअपीयरेंस कुड हैव फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसिस लेकिन कहिंदे इन्नी जल्दी खत्म नहीं हुंदे पोलर बीयर दे आर यूनीकली अडैप्टेड टू द एक्सट्रीम कंडीशन जिन्ना मर्जी वैदर खराब हो जाए वह की आ अडाप्ट कर लेंदे आ वो रह सकते आ जिद्दां दा मर्जी वैदर हो जाए वो रह लेंदे आ चाहे टैंपरेचर -40°C चल जाए तां वी वो रिसिस्ट कर सकते आ। वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस की रीज़न है इहदे पिछे दे हैव अप टू 11 cm ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कहिंदे कि क्यों वो बच जाते क्योंकि उन्हां कोल की आ स्किन दे अंदर फैट हैगी आ। हुण देखते हैं इत्थे भी जिहड़ी है पोलर बीयर आ उहनां नूं प्रॉब्लम आउंदी आ स्किन तों लोकेशन की कहिंदी स्किन तां उहनां लई फायदेमंद आ उहनां नूं बचाउंदी आ एक्सट्रीम कंडीशनस तों एक्सट्रीम कंडीशनस मीनस प्रॉब्लम्स तों उहनां नूं बचाउंदी आ। सो आंसर साडा की आजूगा फॉल्स आजूगा क्योंकि ओपोजिट गल हुई आ इह कहिंदे भी नुकसान पहुँचाउंदी आ लोकेशन कहिंदी भी नहीं बचाउंदी आ स्किन उहनां नूं तां करके आंसर आ गया साडा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द स्टडी डन बाय ल्यू एंड हिज कोलीग कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बीयर कहिंदे कि जिहड़े इन्होंने स्टडी की सी उहदे विच उन्होंने बहुत सारे बहुत ज़्यादा उन्होंने पोलर बीयर नूं कंपेयर किया सी जे सानू ये सेम गल मिल गई भी बहुत ज़्यादा पोलर बीयर नूं कंपेयर किया सी आंसर ट्रू आजूगा। जे कहणगे एक जां दो नूं कीता सी उन्होंने आंसर फॉल्स आजूगा। जे कोई गल ही नहीं कीती हुई भी किन्नियां नूं कंपेयर कीता सी आंसर नॉट गिवन आजूगा। हुण इहदे विच साडा कीवर्ड की होगा इन्हां दे कलीग्स की गल जिथे सानूं मिल गई सो आ रही इन्हां दे कलीग्स की गल आ मिल गई स्टडी की गल आ मिल गई कंपेयर आ मिल गया पोलर बीयर सानूं उत्थे की सीगा भी उन्होंने की आ बहुत सारियां नूं कीता आ। हुण देखदे बहुत सारियां नूं कीता दो जां एक नूं कीता जां कोई गल ही नहीं कीती हुई कहिंदे कि इन्होंने जिहड़ी स्टडी कीती आ शैड लाइट की सानूं दसदी आ
they compare the genetic structure of polar bear with that of the closest relative from a warmer climate, the brown bear. कहिंदे कि उन्होंने कंपेयर किया पोलर बीयर नू वार्मर क्लाइमेट दा जिहड़ा ब्राउन बीयर आ उहदे नाल किया आ. क्वेश्चन कहिंदा सी भी बहुत सारिया ना किया है, लोकेशन कहिंदी सिर्फ दो दा किया, पोलर बीयर ते ब्राउन बीयर दा कंपैरिजन होया आ. वह कहिंदे सी बहुत सारे, ये कहिंदे सिर्फ दो. आंसर की हो गया साडा? फॉल्स. अगे फिर उन्होंने नेम मैनशन आ, वर द फस्ट रिसर्चर टू कंपेयर द पोलर बीयर एंड ब्राउन बीयर जेनेटिकली. कहिंदे कि ये जड़े सिगे ये पहले रिसर्चर से पहले बंदे सिगे जिन्हां ने पोलर बीयर नू ब्राउन बीयर दे नाल कंपेयर किया सी जेनेटिकली. सो देखते हैं जेने सारे सानू कीवर्ड मिल गए. हुण देखना भी ये पहले बंदे सी जां दूजे तीजे नंबर ते आउंदे सी जां कोई गल ही नहीं कीती हुई इन्हां दे रिगार्डिंग. सो कहिंदे कि इन्हां ने एक स्टडी कीती आ, उहदे विच इन्हां ने कंपेयर किया पोलर बीयर नू वार्मर क्लाइमेट दे ब्राउन बीयर दे नाल. इह 'च कुछ मैनशन ही नहीं किया होया भी उन्हां ने पहली बार स्टडी कीती सी, पहले बंदे सी उह, दूजे तीजे किन्ने नंबर ते आउंदे सी कोई गल ही नहीं हुई आ. सो आंसर साडा की आ गया? नॉट गिवन आ गया. बाकी सारे कीवर्ड मिल गए, वह पहले बंदे आ उदी गल नहीं मिली. सो तां करके आंसर साडा आ गया नॉट गिवन. पोलर बीयर आर एबल टू कंट्रोल द लैवल ऑफ बैड कोलैसट्रोल बाय द जेनेटिक मीनस. कहिंदे कि जिहड़े पोलर बीयर आ वह बैड कोलैसट्रोल नू कंट्रोल कर सकते आ. हुण देख लैंदे जे तां सानू उत्थे गल मिल गई भी कंट्रोल कर लैंदे आ, रिड्यूस कर लैंदे आ कोलैसट्रोल नू, आंसर ट्रू. जे कहिंदे नहीं हुंदा उहनां तों कंट्रोल, आंसर फॉल्स. जे कोई गल ही नहीं कीती होगी भी कर सकते आ जां नहीं कर सकते, आंसर नॉट गिवन. हुण मेरा कीवर्ड होगा बैड कोलैसट्रोल, नवां वर्ड मैनू पूरे क्वेश्चन च यही मिलिया आ. सो ये हो गया मेरा कीवर्ड. आ मिल गया लाइन की स्टार्टिंग कितों आ, ए रही. कहिंदे कि उन्होंने जिहड़े कोलीग्स आ उन्होंने फाउंड किया पोलर बीयर हैड द जीन. उत्थे की सी जेनेटिक्स की है, उन्होंने तो एक जीन हुंदा आ जिन्हों ए नाम ना बुलाया जाता है, विच रिड्यूस द लैवल ऑफ लो डेंसिटी, जो कि लो डेंसिटी नू कंट्रोल करते हैं. लो डेंसिटी की आ अ फॉर्म ऑफ बैड कोलैसट्रोल. बैड कोलैसट्रोल नू ही की कहिंदे आ उह, ए पी ओ बी दे नाम नाल जाणिया जाता है. क्वेश्चन सी भी वह खुद कर लेंदे आ कंट्रोल. ये कहिंदे भी उन्होंने कोलीग्स ने सानू दस्या भी पोलर बीयर तो अपने जीन हैगे आ जिहदे नाल वह घटा लेंदे आ बैड कोलैसट्रोल नू. सो खुद ही कंट्रोल करदे पे आ. सो आंसर की आ गया साडा? ट्रू. फिफ्थ की आ, फीमेल पोलर बीयर आर एबल टू सरवाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट फूड. जिहड़ी फीमेल पोलर बीयर आ वह 6 months तक विदाउट फूड रह सकती आ. हुण देखते हैं फीमेल पोलर बीयर 6 months की गल सानू कित्थे मिलती है. जे तो कहिंदे भी रह सकती आ, वह सरवाइव कर लेंदी आ, तां आंसर ट्रू आजूगा. जे कहिंदे भी नहीं रख सकती 6 months तक, फॉल्स आजूगा. जे कोई गल ही नहीं कीती हुई तां आंसर नॉट गिवन आजूगा. हुण सो देखते हैं की क्या होया. दिस प्रोसैस रिजल्ट अबाउट 6 months ऑफ फास्टिंग. कहिंदे कि वह 6 months तक फास्ट रखते आ. वेयर द फीमेल बीयर हैव टू कीप दैमसैल्फ. वो की आ 6 months तक फास्ट रखते आ, खुद को मेनटेन भी रखते आ, कीप भी रखते आ, सरवाइव भी कर लेंगे हैगे आ. क्वेश्चन की कहिंदा सी भी जिहड़े फीमेल पोलर बीयर आ वह विदाउट फूड 6 months तक रह सकते आ. लोकेशन कहिंदी आ भी 6 months तक वह फास्ट रख सकते आ, मतलब विदाउट फूड रह सकते आ. सो आंसर की आ गया साडा? ट्रू. क्योंकि जो गल क्वेश्चन च सी उस सेम गल सानू मिली आ भी वह रह सकते आ 6 months तक विदाउट फूड. उस तो बाद की आ, इट वॉज फाउंड दैट bones of a female polar bear were very weak when they came out the dens and spring. kende ki jade eh cheez dekhi a bhi jani polar bear diyan bones hundiyan na bahut zyada weak hundiyan jadon dens, dens means gufa to bahar aundiyan a, odon unna diyan bones bahut ki hundiyan a, kamzor hundiyan a. hun je ta sanu gall mil gayi bhi bones kamzor hundiyan a, answer sada aajuga true. जे कहिंदे कि बोनस स्ट्रोंग हुंदियां आ, आंसर आजूगा फॉल्स. जे गल ही नहीं कीती हुई भी किदां दियां हुंदियां आ,
दैन नॉट गिवन। हुण आपां देखदे हां फीमेल पॉलर बीयर ते बोन्स दी गल सानूं कित्थे मिलदी है। हुण देखदे हां भी बोन्स उहनां दीआं वीक आ स्ट्रोंग आ जां कोई गल नहीं कीती हुई। वेयर द फीमेल बीयर हैव टू कीप दैमसैल्फ एंड द कर्ब लाइफ। कर्ब्स की होंगे उन्होंने बच्चे जड़े कहते हैं भी जींदे होंगे आ डिपलीटिंग देयर ओन कैल्शियम एंड कैलरीज रिजर्व। उन्होंने कहते कि कैल्शियम तो कैलरीज की होंदिया आ घट जाएँ है। डिस्पाइट दिस इस तो इलावा देयर बोन्स रिमेन स्ट्रोंग एंड डेंस। उन्हों बोन्स हैगियां आ वह स्ट्रोंग ही रहिंदियां हैगियां। क्वेश्चन की कहता से भी बोन्स वीक होंदियां आ। लोकेशन कहती चाहे उस कैल्शियम घट जाता लेकिन फिर भी वह की है बहुत स्ट्रोंग बोन्स होंदियां। सो ओपोजिट गल होगी आंसर साडा आ गया फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन आ द पोलर बीयर मकैनिज़म फॉर इनक्रीजिंग बोन डेंसिटी कुड ऑलसो बी यूज बाय पीपल वन डे। कहते कि जोड़ा मकैनिज़म मीनस जोड़ा मैथड पोलर बीयर यूज़ करते बोन की डेंसिटी इनक्रीज करन वास्ते वो लोग भी यूज कर सकते हैं। लोगों ले भी बेनीफिशियल हैगा है मकैनिज़म। हुण जे तो सानू एक गल मिल गई भी हाँ लोगों लिए बेनीफिशियल है लोग यूज़ कर सकते हैं आंसर ट्रू आजूगा। जे कहते नहीं कर सकते लोग आंसर फॉल्स आजूगा। जे कोई गल ही नहीं की हुई दैन आंसर नॉट गिवन आजूगा। हुण आपां देखते हैं भी मकैनिज़म की गल सानू कित्थे मिलती है। पिछे आपां पूरा पढ़ चुके हैं सो इत्थे देखते हैं आ रहा मकैनिज़म। बोन भी मिल गया पीपल की जगह पर ह्यूमनस मिल गया। क्वेश्चन कहता सी भी लोग इनू यूज कर सकते हैं लोगों लिए हैल्पफुल आए। सो देखते हैं इफ द मकैनिज़म ऑफ बोन्स कहते कि जोड़ा मकैनिज़म हैगा बोन्स नू इनक्रीज करन वास्ते पोलर बीयर दे विच कैन बी अंडरस्टूड। जे आप इनू समझ लिए भी किदा वो किहड़े मैथड दे नाल बोन्स नू जोड़ा आ स्ट्रोंग बनाउंदे आ। मैनी बैड रिडन ह्यूमनस बैड रिडन मीनस जिहड़े लोग बैड ते रहिंदे आ बीमार हैगे आ बैड ते पए रहिंदे आ ओह ह्यूमनस लई ते एस्ट्रोनोट्स लई कुड पोटेंशियली बेनीफिट फायदा होगा इस मकैनिज़म दा। क्वेश्चन कहिंदा सी भी पीपल लई भी बेनीफिशियल हैगी आ इह। लोकेशन कहिंदी भी जे मकैनिज़म नूं आपां समझ लईए बैड रिडन ह्यूमनस ते एस्ट्रोनॉट्स लई ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो गल की हुई है पूरी दी पूरी मैच हुई है भी हाँ फायदेमंद हैगा यूज़ कर सकते हैं। सो आंसर आ गया साडा ट्रू। हुण एक बार ओवरऑल देख लें पहले क्वेश्चन सी भी स्किन दे नाल उहनां नूं प्रॉब्लम आउंदी आ। लोकेशन कहिंदी प्रॉब्लम नहीं स्किन दे नाल उह बचदे आ। सो की आ गया आंसर साडा फॉल्स आ गया क्योंकि ये कहिंदे सी प्रॉब्लम हुंदी आ उह कहिंदे नहीं फायदा आ स्किन दा। सो आंसर आ गया फॉल्स। उस तो बाद सी भी कहते कि उन्होंने बहुत डिफरेंट ग्रुप्स से पोलर बीयर कंपेयर किया। लोकेशन कहती सिर्फ दो किया कहते बहुत सारे लोकेशन कहती दो आंसर अगेन आ गया साडा फॉल्स। उस तो बाद कहते भी ये पहले रिसर्चर से जिन्होंने कंपेयर किया सानू सारा कुछ मिल गया पहले बंदे सी जा किन्ने नंबर ते आउंदे सी इहदी कोई गल नहीं मिली आंसर आ गया साडा नॉट गिवन। हाफ गल मिल गई हाफ नहीं मिली आंसर नॉट गिवन। कहिंदे कि जिहड़े पोलर बीयर अपना कोलेस्ट्रोल लैवल कंट्रोल कर सकदे आ खुद। लोकेशन कहिंदी हाँ अपना कोलेस्ट्रोल लैवल रिड्यूस कर सकदे आ कंट्रोल कर सकदे आ। सो आंसर आ गया ट्रू। उस तो बाद सी कि जिहड़ियां फीमेल पोलर बीयर आ उह 6 मंथ तक विदाउट फूड रह सकदियां आ। लोकेशन कहिंदी 6 मंथ तक उह फास्ट रख सकदियां ते सरवाइव भी कर सकदियां आ। सो गल पूरी मैच हो गई ट्रू आ गया। उस तो बाद सी कि जिहड़ी उन्होंने बोन्स हैगियां बहुत वीक होंदियां आ। लोकेशन कहिंदी बोन्स तां स्ट्रोंग होंदियां आ फिर फॉल्स आ गया। फिर कहिंदे कि जिहड़ा मकैनिज़म आ इहनूं लोग यूज़ कर सकदे आ लोगों लिए हैल्पफुल आ। लोकेशन कहिंदी इह मकैनिज़म जे आपां समझ लईए एस्ट्रोनॉट्स ते जिहड़े लोग आ उहनां लई फायदेमंद हैगा आ। सो बिल्कुल मैच हो गया आंसर आ गया साडा ट्रू।